हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्वेटर की डिजाइन बताऊंगी। आप देखिए, इस डिजाइन को आज मैं बताऊंगी कि इसको कैसे बनाएंगे। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए इस डिजाइन को, कितना प्यारा ये डिजाइन है। पीछे की तरफ से ये इस तरह है और सीधे की तरफ से इस तरह है ये। आज मैं इसी डिजाइन को बताऊंगी। आइए शुरू करती हूँ। फिर ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये 20 फंदा है, इसी में मैं इस डिजाइन को बताऊंगी। ये देखिए, एक सिलाई हम उल्टा बुनेंगे इसमें इस तरीके से। ये देखिए, एक सिलाई इधर से सीधा उल्टा बुन लिए और एक सिलाई पीछे की तरफ से। अब हम यहाँ पर दो सिलाई ये सीधा बुनेंगे। ये सीधे की तरफ है इस तरीके से। अब ये देखिए, दो सिलाई उल्टा सीधा हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको, एक दो, दो फंदा सीधा। अब हम यहां से एक फंदा उठाएंगे इस तरीके से। फिर हम एक दो, ये दो फंदा सीधा। फिर इसके बीच से उठाएंगे फंदे को यहां से। इस तरह। फिर देखिए, एक दो, दो फंदा बुनने के बाद फिर हम इसके बीच से उठाएंगे फंदा को यहाँ से। फिर देखिए इसको, एक दो, दो फंदा सीधा बुनने के बाद हम इसके साइड से उठाएंगे फंदे को। ये देखिए, एक दो, दो छोड़ के, एक छोड़ के हम दूसरे में निकालेंगे इसको इस तरीके से। फिर देखिए इसको, एक दो, ये दो फंदा हो गया। अब देखिए, एक छोड़ के हम दूसरे में से निकालेंगे इसको इस तरीके से, ऐसे। फिर देखिए, एक दो, ये दो हो गया। अब फिर यहां से हम निकालेंगे इस फंदे को ऐसे करके, एक दो। अब फिर यहां से निकालेंगे इस फंदे को, एक दो। और फिर हम यहां से निकालेंगे इस तरीके से। अब यहां पर हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, अब पीछे के रो देखिए, पीछे के रो हम इस तरफ बनाएंगे। ये तीन फंदा उल्टा बुन लिए। बुनने के बाद इसको हम बिना बुने हुए लेंगे इस फंदे को। अब फिर देखिए, एक दो, दो फंदा बुन के फिर हम इसको बिना बुने हुए लेंगे, एक दो। फिर इसको बिना बुने हुए ले लिए, एक दो, दो फंदा बुन के इसको हम बिना बुने हुए लेंगे इस तरीके से। ये दो रो का डिजाइन है, दो रो में कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, अब फिर सीधे की तरफ से देखिए इसको।
ये तीन फंदा सीधा। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह, ये देखिए, इन चारों फंदे को लेकर एक साथ एक करेंगे यहाँ पर, ये देखिए। फिर हम सीधे की तरफ से इस सिलाई को डालेंगे इन चारों फंदे में, इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर दो फंदा हो गया। अब फिर हम यहाँ पर ये दो फंदा सीधा बुनेंगे इस तरीके से, एक दो, ये दो फंदा सीधा हो गया। और फिर हम इन चार फंदे को लेकर, ये देखिए, पहले हम पीछे की तरफ से सिलाई को डालेंगे ऐसे, एक फंदा ये निकल गया, फिर हम सीधे की तरफ से डालेंगे ऐसे करके। ये देखिए दो निकल गया। फिर अब देखिए यहां पर दो फंदा सीधा, और फिर हम चार फंदे को लेकर पीछे की तरफ से इसमें एक फंदा ऐसे निकालेंगे, फिर सीधे की तरफ से निकालेंगे। बहुत ही आसान है डिजाइन, ये देखिए, ये निकल गया आराम से। और फिर इसको दो फंदा हम सीधा बुनेंगे यहाँ पर, ये देखिए। और फिर हम इन चार फंदे को लेकर, ये देखिए, पीछे की तरफ से सिलाई को डालेंगे ऐसे, फिर एक फंदा निकाल लिए, और फिर हम सीधे की तरफ से डालेंगे इन चार फंदे में, फिर सीधे की तरफ से डालेंगे फंदा। और फिर देखिए ये निकल गया। अब यहां पर हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, ये देखिए। पीछे करो, देखिए एक सिलाई हम पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह। ये देखिए पूरा ये सिलाई उल्टा बुन के कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए इसको, अब यहाँ पर हम इसमें से निकालेंगे, देखिए एक दो, दूसरे में से इसको हम उसी तरह फिर निकालेंगे ऐसे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे हल्का से, और फिर हम यहाँ पर एक दो, दो फंदा सीधा बुनेंगे। फिर अब हम यहां से निकालेंगे एक दो, दूसरे में से, ये देखिए यहां पर। अब फिर हम ये दो फंदा सीधा बुनेंगे, और फिर देखिए यहां से निकालेंगे एक दो, थोड़ा सा लंबा खींचना है इसको, एकदम थोड़ा से। अब देखिए यहां पर हम दो फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे करके, फिर अब यहां पर हम निकालेंगे, ये निकल गया एक फंदा, फिर दो फंदा सीधा, फिर अब हम यहां पर निकालेंगे, फिर देखिए अब दो फंदा सीधा, फिर इसके साइड से निकालेंगे, फिर दो फंदा सीधा, फिर हम यहां से निकालेंगे इसको, फिर दो फंदा सीधा। अब देखिए यहां से फिर निकालेंगे, फिर यहां पर हम दो फंदा सीधा बुनेंगे, और अब यहां से हम निकालेंगे, देखिए ये एक दो,
दूसरे में से निकालेंगे इसको इस तरीके से। ये देखिए पीछे करो, फिर हम उसी तरह रिपीट करेंगे इसको। ये देखिए जिस फंदे को हम उधर से उठाए थे उसको पीछे की तरफ से हम बिना बुने हुए लेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को बिना बुने हुए, फिर देखिए दो फंदा उल्टा, फिर इसको बिना बुने हुए, फिर दो फंदा उल्टा, इस फंदे को बिना बुने हुए लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, फिर इस फंदे को बिना बुने हुए, फिर दो फंदा उल्टा, इसको बिना बुने हुए, इसी तरह पूरा रो हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया। फिर हम उसी तरह इसको बनाएंगे सीधे की तरफ से। ये देखिए ये पहला रो है, पहला ये फंदा है, तो हम इसको इसी तरह ले लिए बिना बुने हुए। अब यहां पर हम चार को एक करेंगे। पहले पीछे की तरफ से हम सिलाई को डालेंगे, ऐसे देखिए इधर की तरफ से, फिर इसमें से एक फंदा निकालेंगे, ये देखिए, फिर अब यहाँ पर सीधे की तरफ से डालेंगे। ये देखिए इस तरह, फिर अब दो फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम इन चारों फंदे को लेकर ऐसे ये देखिए एक करेंगे। पहले पीछे की तरफ से सिलाई को डालेंगे, फिर सीधे की तरफ से। इस तरह फिर अब दो फंदा सीधा, फिर पीछे की तरफ से सिलाई को डालेंगे। बार बार हम इसी तरह इसको हम रिपीट करेंगे तो ये अपने आप ये डिजाइन निकलेगा। दो रो का है डिजाइन, इसको जरूर कोशिश कीजिएगा, बहुत ही प्यारा लगता है। जेंट्स लेडीज किसी भी स्वेटर पर डालिए, ज्यादातर जेंट्स के स्वेटर पर बहुत ही सुंदर लगेगा ये। ये देखिए फिर दो फंदा सीधा और ये चार फंदा को पहले पीछे की तरफ से सिलाई को डालेंगे ऐसे, और चार को एक करेंगे यहाँ पर, फिर सीधे की तरफ से ऐसे डाल के, फिर देखिए ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। और फिर अब हम पीछे के रो एक सिलाई उल्टा बुनेंगे और फिर अगला सिलाई में हम इसी तरह निकालेंगे। ये देखिए इस तरह ही इस डिजाइन को बनाएंगे, कितना सुंदर लग रहा है ये डिजाइन बनके। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये डिजाइन पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिजाइन लेकर आप सबके साथ।